हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। एंड आज के वीडियो रिगार्डिंग कैसा रहेगा आपका करियर लाइफ इन जनरल, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मे मंथ 2021 कैसा रहेगा आपके लिए। सो यू नो, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोज पोस्ट करूँ आपको उसकी जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप इन डेली टैरो रीडिंग, वास्तु टिप्स, फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं रिगार्डिंग करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ, सो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं नो टैरो रीडिंग्स एंड टिप्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। एंड यू नो, सभी पूछते हैं कि हम इस रीडिंग को कैसे फॉलो करें, क्या बेस हम रखें। सो आप चाहे अपनी नाम की राशि से, सन साइन, मून साइन, किसी के भी बेसिस से फॉलो कर सकते हैं। टैरो कार्ड्स में हमेशा कहते हैं कि जो राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करें, सो आपके लिए बहुत ही अच्छा एंड आपको करेक्ट रीडिंग्स मिलती हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं। तो चलिए इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। हेलो लिब्रा, सो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि नो कार्ड्स में आपके लिए कैसी एनर्जी दिख रही है फॉर दिस अपकमिंग मंथ इन टर्म्स ऑफ करियर। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया, ये कार्ड है द एस ऑफ यू नो थॉट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज, न्यू आइडियाज़, न्यू समथिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस मंथ में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि नो कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई आइडिया आपके मन में आ रहा है लेकिन पता नहीं वो कैसे हो पाएगा, नहीं होगा, उसके बारे में क्या करें, सो यहाँ पर आपको सजेशन है कि ऑफकोर्स आप उन प्लानिंग को लिखें, किसी से बात करें, डिस्कस करें, उन आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। अपने मन में उन बातों को, उन आइडियाज़ को दबा कर ना रखें, ज़रूर उसके बारे में आप सोचें एंड ट्राई करें, टेक रिस्क इन शॉर्ट, बिकॉज आगे आपके लियो एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी, मार्स की एनर्जी मानी जाती है, मंगल की एनर्जी से, जैसे कि आप यहाँ पे लाइन को देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एनर्जी रखनी कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपको चाहिए लिब्रास, वो आपने उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा लेकिन आप ज़रूर उसको हासिल करेंगे। तो यहाँ पर मुझे आपका पैशन बहुत अच्छा दिख रहा है, मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो एंड आपको ऐसा है कि नो आप जो पावर, जो पोजीशन, जो जगह आप डिज़र्व करते हो वो आपको किसी भी हाल में चाहिए, कैसे भी चाहिए। जो आपका ड्रीम है वो आपने अचीव करना है, आपने वो ड्रीम में जो आपने सोचा है कि भैया मुझे ये डिग्री, ये पोजीशन चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, एंड इस मंथ में नो आप उसी तरीके से काम करोगे, आगे बढ़ोगे। सो आई सी लॉट ऑफ एनर्जी इन यू लिब्रास इस मंथ में, सो आप एकदम लायन वाली फायरी एनर्जी, अचीविंग, एम्बिशियस, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, क्लियर माइंड, एंड यू नो एक लायन ने अपने सर में एक ताज पहना हुआ है, सो दिस शोज यू नो रियली आप अपनी लाइफ में इस कितना क्यूट एक्चुअली है, लायन ने अपने ऊपर क्राउन पहना हुआ है। सो दिस इंडिकेट्स यू नो कि आप बिल्कुल भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि नो आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो आपको ना मिले। आप डेफिनेटली पूरा बेस्ट ट्राई करोगे, अपनी पूरी मेहनत करोगे उन चीज़ों को अचीव करने में। सो मई मंथ में आपकी एनर्जी बहुत मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रही है। आगे अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ हाउस की एनर्जी के कार्ड्स हैं, यू नो मई मंथ में दिखता है कि नो मे बी एंड मंथ के एंड के अराउंड में या आफ्टर मे बी 25th के बाद में यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि मे बी आपकी लाइफ में डार्क क्लाउड्स हैं, ब्लैक क्लाउड्स हैं, आपके करियर में कुछ डार्कनेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ हर्डल्स हैं, बट यू नो बाय द एंड ऑफ द मंथ में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये हटेंगी, क्लैरिटी आएंगी। सो यू नो धीरे धीरे वो एक क्लैरिटी आपको आएगी, या तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे या तो उनको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आपके कोई भी ऐसा आपको लगता है आपके लॉस हो रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है, आपने चीज़ें बहुत सोच रहे हो लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, उसको बहुत अच्छे चैलेंजेस समझ के उस पर काम मेहनत ज़रूर करोगे ना, आपकी वही विल पावर आपको उसी प्रॉब्लम से निकालेगी। बिकॉज ट्वेल्थ हाउस थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हाउस, डिले का हाउस माना जाता है, बट साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारे ब्लैक क्लाउड्स हैं, यहाँ पर वो ब्लैक क्लाउड्स हटकर सनराइज़ हो रहा है एंड ये ब्राइटनेस को इंडिकेट कर रहा है, तो रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, ब्राइटनेस आ रही है, डिवाइन लाइट आ रही है, इट्स अ ग्रेट एनर्जी। साथ ही साथ में कुछ लिब्रास का यहाँ पे अगर वो एब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, सिटी चेंज, कंट्री चेंज, ट्रैवल का सोच रहे हैं, सो ये मंथ में उसके रिगार्डिंग उनके काम बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो ट्रैवल के योग अच्छे दिख रहे हैं इस मंथ में।
आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और कार्ड है, इस कार्ड का नाम द जेंटलमैन है। अब ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ बताता है कि जो एक चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहते हो, वो आपका ये काम बनने के अच्छे चांसेस है, लेकिन इस काम को ना कोई आपके इसमें मेल अथॉरिटी, कोई ना कोई मेल पर्सन आपका ये काम करेगा। आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाते हैं कि नहीं, बट ये एनर्जी कुछ ऐसी जैसे कि नो आपकी लाइफ में, चाहे आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे मेल या फीमेल हैं, आपकी जो मदद करेंगे कहीं ना कहीं कोई मेल अथॉरिटी करेंगे। अब वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई सर हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, समवेयर आपकी लाइफ में जो ये इस मे मंथ में आपके काम बनने आएंगे या बनेंगे वो बाय मेल सपोर्ट, मेल अथॉरिटी के थ्रू होंगे। दिस इज़ व्हाट आई सी। एंड आपके इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी भी दिखती है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ना होता है ना कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे वो चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, मुझे चाहिए। सो वो सारी वाइब मेरे को बहुत दिख रही है, बिकॉज लियो है, 12th हाउस है, मैन के कार्ड्स हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को इंडिकेट करता है। बट ऑल ओवर एक ही मुझे स्ट्रगलिंग कार्ड दिख रहा है, द 12th हाउस। अगर किसी भी प्रकार के आपकी लाइफ में लॉस चल रहा है, नुकसान चल रहा है, सो बाय द एंड ऑफ मंथ में, मे मंथ के बाद में चीज़ें और कम हो जाएंगी, माइल्ड हो जाएगी, ठीक हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी। तो ज़रूर अगर आपको लगता है किसी से आपको हेल्प चाहिए या आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक उसके बारे में आप बात कर सकते हैं अपने अपने अपनों से, रिलेटिव से, आपकी मदद करेंगे। बट बाय दी और आप उसको हैंडल बहुत अच्छे से करो, नो डाउट। नो लायन के कार्ड्स हैं, आप बखूबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी से उसको, यू नो एक्चुअली लायन कार्ड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि मन करता है ना आप बस इसको देखते रहो, देख देख के ही आपको एनर्जी मिल जाएगी। सो इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कार्ड, इतना फायरी कार्ड है। सो यू नो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, यू नो कि जो भी चैलेंजेस है आप मे मंथ में, पहली चीज़ तो आपके से कोई लड़ नहीं सकता है, आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है, बोल्ड है, आई सी दैट। बट येस, कहीं ना कहीं स्ट्रगल से, डिले से काम फिर भी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओपनिंग्स हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सो आई कैन से यू कैन होप फॉर द बेस्ट लिब्रास फॉर दिस मंथ। थोड़ी बहुत डिलेज हैं, 12th हाउस इंडिकेट करता है, बट वो एंड ऑफ द मंथ के आसपास में है, तो कोई बात नहीं, चीज़ें फिर भी उसको पार करके भी बनती हुई दिख रही हैं, आगे रास्ते खुलेंगे। सो अगर कोई डिले होता है, पेशेंस इज रिक्वायर्ड, तो हैव पेशेंस, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये मैं सजेशन दूंगी फॉर दिस मंथ लिब्रास। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।